तो ये देखो हमारे एक है चीकू का पेड़ जिसके बहुत सारे चीकू लगे हुए हैं। ये देखो ये बड़ा सारा पेड़ है, इसके काफी चीकू लगे हुए हैं। ये देखो हमारे शेखावाटी बेल्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो होती नहीं है। हमारे पास में एक कोलीडा गांव पड़ता है, वहाँ पे सेब वगैरह के काफ़ी पेड़ लगाए हुए हैं और सेब भी आती हैं उनके, अच्छी सेब लगती हैं उनके। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। आज है हमारी छुट्टी, तो आज हम अभी नहाए भी नहीं हैं और आज पूरे दिन भर हम घर पर ही रहने वाले हैं। खाना वाना भी अभी नहीं खाया, तो हमें लगी अभी भूख, तो अभी खाएंगे खाना और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं आज दिन में। तो आज के सुबह के खाने में हमने लिया है बाजरे की रोटी और दही, ये हमारा सुबह का देसी नाश्ता है। बड़ा स्वाद लगता है, जो रात को बाजरे की रोटी बनाते हैं ना, वो सुबह गर्म करके उनको चूर लेते हैं बारीक बारीक और दही मिला के खाते हैं उनमें, बड़ा आनंद आता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज तारीख है 27 जनवरी। तो आप सब कैसे हैं, मस्त होंगे, मस्त ही रहना। तो अभी मैं नहा धो के हूँ बिल्कुल तैयार और अभी जा रहा हूँ दादिया बस स्टैंड। घर के लिए कुछ थोड़ा सामान लेके आना है और घर पे अपना टाइम पास भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ी देर स्टैंड पे यार दोस्तों से मिलेंगे और मौज मस्ती करके आएंगे वापस। और ये खड़ी अपने पीछे अपनी गाड़ी, तो ये लेके जाने वाला हूँ मैं। छुट्टी के दिन मन तो ऐसा करता है कि पूरे दिन घर रहें, लेकिन थोड़ी देर रहने के बाद मन नहीं लगता है घर पे, क्योंकि जो रोज़ बाहर जाता है उसकी आदत हो जाती है बाहर जाने की, अपनी भी वो एक सेम सी आदत ही हो गई है। से झुंझुनू रोड पे पड़ता है 14 किलोमीटर की दूरी पे, ये देखो दादिया गांव। तो ये हैं हमारे गांव के दिनेश जी सैन, जो लोडी एक्सपर्ट है, लोडी चमकाने में बहुत एक्सपर्ट है। ब्लैक टी शर्ट रखते हैं, ब्लैक जूते हैं और ऊपर ब्लैक टोपी है और ब्लैक ही दाढ़ी है, एकदम गुंडा स्टाइल में बनाते हैं। तो स्टैंड से वापस आ चुका हूँ मैं घर और घर आके अभी खा रहा हूँ खाना। तो आज खाने में बनाए गेहूँ की चपाती, ये मिर्च, इसमें राई वाई डाल के इसको फ्राई किया हुआ है और ये है छाछ। तो खाना वाना अपना हो गया है और अभी ये ले लिया हमने रजाई और 2 घंटे 3 घंटे जितनी नींद आएगी उतनी देर अभी सोएंगे। आज छुट्टी है तो छुट्टी का कुछ तो फ़ायदा उठाते हैं, नींद तो शायद मुश्किल ही आएगी क्योंकि मेरे को आदत नहीं है सोने के दिन में। तो हमें दोपहर में नींद तो आई नहीं और मोबाइल देख रहे थे हम, और डुगू भी आ गया अभी स्कूल से और अभी टाइम हो रहा है 2:55। शेर आ गया स्कूल से, शेर आ गया स्कूल से। इधर देखो, 1 बजे खाया था खाना और अभी बज रहे हैं 3 और हमें लगी है भूख, तो मैं संतरा और केला ले आया, अभी केले और संतरे खाएंगे और मम्मी को भी खिलाएंगे साथ में। भूख कौन लगी कितना? तो मैं पी रहा हूँ अभी
4 बजे वाली चाय। हमारे घर पे शाम को रोज 4 बजे चाय बनती है, तो आज मेरा भी नंबर पड़ गया। रोज़ तो मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन आज घर पे था तो मिल गई आज 4 बजे वाली चाय। तो आज हमारे शाम के खाने में बनेगी बाजरे की रोटी और स्पेशल कड्डी, और कड्डी बनाने वाला हूँ मैं। आज मेरा नंबर है कड्डी बनाने का। तो कड्डी बनाने की हमारी तैयारी स्टार्ट हो गई है। पहले तो हमने चूल्हे में आग जलाई है, हम बनाएंगे आज चूल्हे पर कड्डी। और डुगू चला रहा है अपनी रिमोट वाली कार, उसका रिमोट भी खराब हो गया, वो आगे चलती है पीछे वापस नहीं आती। अरे आने लग गई अब तो पीछे। अरे वाह। तो अभी लेंगे हम कढ़ाई में सबसे पहले सरसों का तेल, इसको गरम होने देंगे, फिर इसमें डालेंगे जीरा, फिर प्याज, हरी मिर्च भुनेंगे इसमें अंदर। तो अभी प्याज हमारे एकदम भुन के हो चुके हैं रेडी, तो अभी इसमें डालेंगे मसाले। ये आ गई लाल मिर्च, ये आ गया धनिया पाउडर, और ये आ गई हल्दी पाउडर। अब डालेंगे इसमें थोड़ा पानी। तो मसाला अपना पक के बिल्कुल है तैयार, इसने पूरा तेल छोड़ दिया मसाले ने। और ये छाछ और बेसन का घोल बनाया हुआ है, वो इसमें डालेंगे अभी। और डालते ही कड़ी को हिलाना स्टार्ट कर देंगे, और तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कड़ी में उबाल आना स्टार्ट ना हो जाए, नहीं हमारी कड़ी फट जाएगी। तो इसमें डाल दिया हमने जो हमारा बेसन और छाछ का घोल बनाया हुआ था वो घोल, और अब इसको तब तक हिलाते रहेंगे जब तक खड्डी में उबाल आना स्टार्ट ना हो, नहीं हमारी खड्डी फट सकती है। खड्डी में उबाल आना हो गया स्टार्ट, अब इसको हम हिलाने से छोड़ देंगे, और इसमें डालेंगे अब लहसुन। चूल्हे की देसी खड्डी, और अब इसमें डालेंगे थोड़े हरे पत्ते, मेथी के, प्याज के, लहसुन के, जिससे और स्वादिष्ट बन जाएगी। और अब इसको छोड़ देंगे आधे घंटे तक धीरे धीरे पकने के लिए, और आधे घंटे बाद अपनी कड्डी बनके हो जाएगी बिल्कुल तैयार। रोटी थी बस यहीं तक, अब कड्डी अपने आप पकती रहेगी, फिर पक जाएगी तब इसको चूल्हे से नीचे उतार देंगे। तो हमारे गांव में क्या है कि हम शहर से हरी सब्जी लाके बहुत ही कम खाते हैं, कभी कभी महीने में 2-3 बार ही थोड़ी सब्जी हमारे घर पे हो जाती है। कभी दाल बना लेते हैं, कभी कड्डी बना लेते हैं, कभी पापड़ मंगवाने की सब्जी बना लेते हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खूब सारा प्यार दीजिए मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज को।